सम्राट कुंभा आधी रात को ही उस तपस्वी की तलाश में अपने नगर के बाहर निकल जाते हैं। बहुत दूर पहुंच जाने के बाद वह किसी जंगल में विश्राम करने लगते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर बिच्छू राजा की क्रूरता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। महाराज, हमारे महल का चोर पकड़ा गया, उसके लिए क्या सजा है? तो उसे बिच्छुओं से भरे कुएं में ढकेल दिया जाए। जी महाराज। सेनापति करका, उस सम्राट कुंभा ने हमारे सैनिक को मार डाला। क्या, उसकी इतनी जरूरत? मैं महाराज को सूचित करता हूँ। महाराज, जिस सैनिक को हमने सम्राट कुंभा के पास भेजा था, तो फिर क्या हुआ? उन लोगों ने हमारे सैनिक को मार डाला और संदेशा भेजा है। कैसा संदेशा सेनापति करका? उन लोगों ने संदेशा भेजा है, सैनिक की मृत्यु ही संधि का जवाब है। न जाने मैंने कितने लोगों की मृत्यु कर दी। सोच रहा था कुछ धर्मात्मा जैसे राजाओं से मित्रता कर लूँगा तो शायद मुझ में कोई बदलाव आ जाए, लेकिन लोग मुझे इसी रूप में देखना चाहते हैं। सेनापति करका, पहले इसकी मृत्यु की छानबीन करो, इसमें किसी का हाथ तो नहीं, और अगर सच साबित हुआ तो इस संधि का जवाब रक्त से लिखा जाएगा। ठहरो, मेरी मदद करो, ठहरो। क्या हुआ, क्या समस्या है? क्या आप इस पेड़ को अलग करने में मेरी सहायता कर सकते हैं? यहाँ आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी यहाँ आकर फंस जाए और परेशान हो। दोनों मिलकर उस पेड़ को अलग कर देते हैं। फिर अजनबी उस राजा से पूछता है, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शिवगढ़ राज्य का निवासी हूँ। मैं एक तपस्वी से मिलने पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूँ। लेकिन ये तपस्वी तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। आपने जो लाल पहाड़ी पार की होगी, वहीं से होकर एक और रास्ता गुजरता है, आपको वहां जाना था। अब मुझे फिर से उस लाल पहाड़ी तक जाना होगा। उस अजनबी की बात सुनकर सम्राट देर किए बिना दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं।